सर सर पशु हानि हमारी जो है खानपुर एरिया में एक दर्जन गाय और सर कुछ भैंस की ये सूचना कि वो पानी में बह गई सर, और लगभग 300 से ज़्यादा मुर्गी, एक मुर्गी खाना था दही खेड़ा परवार सर, वो भी पानी के साथ बह गया सर। सर हमारे एक अपना मुकंदरा जो अपना फॉरेस्ट एरिया है दरा, उसको क्रॉस करके सर वाया खानपुर होते हुए अकलेरा को नया बाईपास बनाया सर, और पीपीपी मोड पे बनाए, तो कुछ ये आंकलन है हमारा उसका। हम आज दोपहर बाद में जा रहे हैं सर, सारी टीम को बुला रखा है कि कहीं पानी का भाव प्रॉपर न निकलने की वजह से खानपुर की तरफ हुआ, और खानपुर में सर एक छोटी सी नदी है रूपाली, वो कस्बे में अंदर होने के कारण इंक्रोचमेंट भी है, कुछ सकड़ी भी हो चुकी है, तो चूंकि बरसात एक साथ 350 mm हुई उसकी वजह से जल भरने की स्थिति हुई। अदरवाइज सर अब बिल्कुल सारी चीज ठीक है सर, और हमारा भीमसागर डैम के 5 गेट खोले थे, वो ईस्टर्न पार्ट है सर खानपुर का, उसको क्रॉस करते हुए कोटा में सांगोद को जाता है सर, तो सांगोद में भी इस वजह से कल प्रॉब्लम हुई है, लेकिन हमने रात में ही वो गेट बंद हो गए, तो शायद अब वहाँ भी स्थिति नॉर्मल होगी सर। भीमसागर डैम के जब आपने गेट खोले तो इतला कर दी थी कोटा वगैरह सबको? सर बिल्कुल इतला कर दी थी, और हमने उसकी जो स्टोरेज था वो लगभग 85 तक रोके रखा सर, उसके बाद में हमने एक गेट खोले, लेकिन सर बरसात हमारा असनावर एरिया में भी उसमें भी 300 mm बरसात हुई सर, तो एक साथ इतना पानी आया कि सर उनको गेटों को एक से बढ़ा के दो, दो से बढ़ा के 300 mm बारिश एक साथ हो गई। नहीं वो समझ गया मैं, पर वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपस में कोऑर्डिनेशन रखना जरूरी है। कल वो रात को सांगोद में कलेक्टर SP बहुत परेशान हो रहे थे और उसके बाद में चिंता कर रहे थे, और साथ में आर्मी के कॉलम भी वहाँ पे भेजी गई, सब कुछ किया गया, फॉर्चुनेटली सब लोग बच गए। तो आपस में कोई भी ऐसी स्थिति बने तो आपस में कोऑर्डिनेट करके फैसला करना चाहिए। सर 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 हमारा ये दो पानी मिक्स हो गया सर, असनावर क्षेत्र का तो भीमसागर डैम से आ गया, और जो वेस्टर्न पार्ट है खानपुर का वो भी उधर से ही जाता है, वो लगभग ज़्यादा बरसात होने से शायद कुछ पानी गया, अदरवाइज सर हमने डैम को बहुत कंट्रोल किया, और हमारे सर ऐसे भी बैठे हुए हैं इरीगेशन के, हमारी स्थिति हो गई। MLA साहब का भी फोन आ गया था सांगो से कि आप इसको कंट्रोल करें, आपका डैम खाली है सर, हमारा 90% तक हम उसको वो करते रहे, लेकिन पानी की आवक इतनी ज़्यादा हुई एक साथ, तो उसके डैम हमें सर खोलने पड़े गेट सर। नहीं मैं महसूस कर रहा हूँ आपकी भावना, मुझे रात को कल मैंने 10-11 बजे बात करी तो वो लोग खड़े थे वहाँ नदी के पार, जा नहीं पा रहे थे, सांगोद के अंदर भी जा नहीं पा रहे थे कलेक्टर एफ वगैरह सभी लोग, और पानी बहुत तेज गति से आ रहा था, सब चिंता कर रहे थे पता नहीं क्या होगा। फॉर्चुनेटली सब बच गए लोग, इस बात की खुशी है। धन्यवाद आपका सर। बूंदी नमस्कार सर। सर बूंदी के अंदर जो बरसात सर अभी तक हुई है 770 mm वर्षा हुई है सर, और इस साल पिछले साल जो बरसात इस टाइम थी वो 375 mm ही थी सर, तो काफ़ी जो है मात्रा इसकी इंक्रीज हो गई सर, लेकिन इसका जो पैटर्न देखा जाए तो जैसे सर 2 अगस्त को 90 mm बरसात हुई सर, 3 अगस्त को 150 mm बरसात हुई सर, 4 अगस्त को लेकिन ये कम होकर 63 mm ही रह गई सर, 5 अगस्त को 18 mm ही हुई, और अब कल सर 25 mm ही हुई, तो ये जो है सर डिक्लाइन हो गया है बारिश का पैटर्न, तो उसकी वजह से जो जल भराव था सर बीच में जो बहुत अति बारिश हुई थी, तो अब जो कंडीशन है सर बिल्कुल नॉर्मल है सर, बिल्कुल कंट्रोल में स्थिति है सर, कहीं इस तरह का इशू नहीं है। जो जनहानि है सर वो करीब 12 लोग जो है की मृत्यु हुई सर, जिसमें से 7 केशवराय पाटन वाले इंसिडेंट में हुई सर, और उनको हमने सर 7 लोगों को 4 लाख पर पर्सन के हिसाब से मुआवजा सर कल उसको सेंक्शन कर दिया सर, और उनको जो विस्थापन करने का प्रोसेस है वो भी चालू कर दिया, और तत्परता से सर मैं और SP साहब रात को ही लोकेशन पे पहुंच गए, बट अनफॉर्चुनेटली किसी को सर हम बचा नहीं पाए। सिमिलरली एक इंसिडेंट हुआ सर, एक बस सर जो है जल भराव में बस अटक गई सर, 40 लोग उसके अंदर भरे हुए थे सर, और SP साहब मैं खुद ही स्पॉट पर जाके उनको भी सर हम बचा पाए, तो तत्परता से सर काम कर रहे हैं, कोई विशेष इशू नहीं है सर हमारे यहाँ पे। डैम हमारे जो 22 है सर उसमें से 14 हैं जो कि ओवरफ्लो कर गए हैं, 7 ऐसे हैं जो 50% से ऊपर भरे हैं सर, और 1 है जो 50% से कम है। चंबल नदी का भी सर अभी कोई इशू इसलिए नहीं है कि सर क्योंकि गांधी सागर डैम है सर वो 60% ही भरा हुआ है, तो चंबल का जो लेवल है सर वो कम्फर्टेबल है, अभी कोई इशू नहीं है सर।
हमारे यहाँ सर 550 लोगों को करीबन हमने रेस्क्यू किया सर, उनको सेफ स्पॉट पे पहुँचाया सर, और अभी जो खाने की व्यवस्था है सर वो माकूल है, कोई इशू नहीं है, और करीबन 4000 जो घर हैं सर कच्चे और पक्के उसके अंदर डैमेज है, तो वो भी हम सर्वे करा रहे हैं सर। क्रॉप डैमेज के अंदर मैं ब्रीफ करना चाहूँगा सर कि स्पेशल गिरदावरी के अलावा जो हमारे नुकसान हुआ है सर उड़द मक्का और सोयाबीन में, उसमें सर हमने इंश्योरेंस का पैसा जो है 25% उसके प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट को भिजवा दिए हैं सर, जिससे उनको तत्काल राहत मिल जाए सर। इंश्योरेंस में प्रिवेंटेड सोइंग का 25% तत्काल मिल जाता है सर, तो हमने सर्वे करा के वो प्रपोजल्स भिजवा दिए हैं जिससे कि सर इमीडिएट रिलीफ मिले। हमारे पास सर 3 SDRF की टीम है, 64 हमारे पास सिविल डिफेंस के लोग हैं, तो 94 लोग हमने डिप्लॉय किए हुए हैं सर। 68 लोग जो है अभी तक SDRF और सिविल डिफेंस के द्वारा बचाए गए हैं सर, तो अभी विशेष कोई इशू नहीं है सर बारिश, क्योंकि अभी बिल्कुल थम गई है, बिल्कुल कंट्रोल की स्थिति है सर। एज़ पर डायरेक्शंस CS सर और आनंद सर CMO से सर लगातार टच में है सर, कोई इशू होता है तो उसका तत्काल समाधान हो जाता है। ये आप लोगों ने काफ़ी लोगों को बचाया है, और मेन बात है जो लोग जिनकी डेथ हो गई है या घायल है उनको आपने 4 लाख रुपये दे दिए अभी तक सर, पटपट क्योंकि हमने और जगह पर 4 लाख तो SDRF से मिल जाता है और 1 लाख हमने CM रिफर दिया था उन लोगों को सर, तो आप लोग भी वहाँ पर 1-1 लाख रुपये और दे दीजिए सबको सर। 4 लाख हो गए SDRF से और 1 लाख हो गए CM रिफंड से सर, और घायलों को 2-2 लाख रुपये CM रिफंड से दिए हैं सर। SDRF के नॉर्म्स में बहुत कम पैसा उसमें हजारों में है सर, उससे कम ही चलता आज के जमाने के अंदर, तो इलाज फ्री करने के अलावा 2-2 लाख रुपये उनको मुख्यमंत्री सहायता कोष दे दीजिएगा आप सर। बिल्कुल सर, बाकी आपने अच्छा किया, काफ़ी लोग बचाए, वो बस में जाती थी उस वक्त में, उसको बचाने का बहुत बड़ा काम था सर। थैंक यू सर, थैंक यू। धौलपुर सर नमस्कार सर, जिले में 1 जून से 6 अगस्त तक जो है 360 mm की बरसात हुई है, जो गत वर्ष की तुलना में 70% अधिक है, और पिछले सप्ताह में 102 mm की बरसात हुई सर। मेरा निवेदन है कि लोकल बरसात का हमारे चंबल के जलस्तर पर कोई प्रभाव नहीं रहा सर, और टोटल जो बरसात 650 mm की उसके अगेंस्ट केवल 55% बरसात हुई है सर। सर मेरा निवेदन है कि 26 साल के बाद ये सेकेंड हाईएस्ट लेवल पकड़ा सर, 1996 में 145.54 का लेवल मीटर का गेज था सर, और हमारे यहाँ 144.70 का ये गेज पकड़ा, लेकिन किसी भी प्रकार की पशुधन जनहानी या कोई भी आदमी घायल नहीं हुआ सर। 2-8 को हमारा लेवल 131 था और 3 तारीख को ये 109 मीटर करीब लेवल बढ़ा सर, लेकिन समय पर सूचना गांव वालों को कर दी गई, तो उनका सामान वगैरह हमने हटवा दिया, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर हमने और लोगों ने पहुंचा दिया। वर्तमान जो स्थिति है सर 140.50 का हमारा जलस्तर है, लेकिन अब जलस्तर पुनः बढ़ना शुरू हो गया है सर, और आज लेट नाइट तक 142.50 की पहुंचने की उम्मीद है सर। मूल रूप से जो पानी हमारा आ रहा है ये पानी सर झालावाड़ बारा से आ रहा है, पार्वती और कालीसिंध का, और इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो 3-4 जिले हैं उधर से पानी आ रहा है सर। 3 जो मृत्यु जो आंकड़ा इसमें बताया गया सर, वो आकाशीय बिजली से करीब 11 जुलाई को डेथ हुई है सर। कुल मिला के प्रभावित गांव सर 85 गांव प्रभावित हुए हैं, और मजरे और डांडी 53 है, कुल मिला के 138 हैबिटेशन से प्रभावित हुए हैं सर। एक करीब 5300 हेक्टेयर का क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है, मूल रूप से राजाखेड़ा और धौलपुर की दो हमारे जो तहसील हैं उसका अधिकतम क्षेत्र है सर। आबादी करीब 15,000 प्लस की आबादी प्रभावित हुई है, मकान करीब 2,500 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं सर। बहुत सारे मकान ऐसे सर कंप्लीट डूब में आ गए हैं, और उसमें हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जब ये धूप वगैरह आएगी तो वो धड़क जाएंगे सर। इसको देखते हुए हम लोगों ने एक निर्णय ये किया है सर कि धौलपुर में जो निची आबादियों में जो बसे हुए हैं वहाँ पर उनको रिहेबिलिटेशन के लिए ऊंची स्थानों पर कुछ आवासीय भूखंड वगैरह देने के लिए हम प्लान कर रहे हैं सर। अच्छा जी, आपने सर समय पे इतना कर दिया आपने पहले सर। एक मेरा निवेदन है कि जो सड़कों को और ये नुकसान हुआ करीब 40 सड़कें प्रभावित हुई हैं सर, और 133 किलोमीटर का एरिया पैचेज में प्रभावित हुआ है सर। एक जिला सर हैंडपंप ऑरिएंटेड है, बहुत सारे हैंडपंप्स और ट्यूबवेल्स उसमें कीचड़ और गादा भर गया सर, तो उसमें हैंडपंप के लिए SDRF में कोई प्रावधान नहीं है सर, तो
तो जब ये खत्म हो जाएगा तो हमें हैंडपंप्स और ये करना पड़ेगा सर व्यवस्था। जेबीएमएनएल को भी काफी नुकसान हुआ है सर, 179 ट्रांसफार्मर खराब हो गए हैं, करीब 250 के आसपास पोल्स, विद्युत पोल्स खराब हो गए हैं सर, और 96 गाँव में विद्युत आपूर्ति वर्तमान में बंद है, तो उसको रेस्टोरेशन का प्रयास चल रहा है सर। राजाखेड़ा धौलपुर के मूल रूप से बिजली का नुकसान हुआ है सर। भोजन व्यवस्था सभी जगह की जा रही है, माननीय प्रभारी मंत्री पधारे थे सर, काफी एक्सटेंसिवली आपने विजिट किया है रतनलाल जी से सर, और लोगों ने भी संतोष व्यक्त किया है, और बाकी मेडिसिन की व्यवस्था की है, और ब्लीचिंग और फॉगिंग की हम व्यवस्था करा रहे हैं सर, क्योंकि नीचे का जो इलाका है उसमें कीचड़ वगैरह हो जाएगी, तो कीचड़ के बाद उसमें मच्छर वगैरह की समस्या है, तो ब्लीचिंग फॉगिंग उनकी हम व्यवस्था कर रहे हैं। मेडिकल मोबाइल टीम्स की व्यवस्था हमने लोगों ने की है सर, और सिवाचक भूमि पर आवासीय योजना का एक प्रस्ताव बना रहे हैं। गाँव में हम लोग गए, माननीय मंत्री महोदय भी गए सर, लोगों की मांग थी कि हमारे हर 2-3 साल पे इसका सामना करना पड़ता है, हमारे मकान डूब जाते हैं, तो उसके देखते हुए आवासीय कॉलोनी करीब हम लोगों ने चिन्हित किए स्थान, तो उनको हम ऊंचाई के स्थानों पर आवासीय योजना बना के हम देने का प्रयास कर रहे हैं। एसडीआरएफ की करीब 5 यूनिट तैनात है सर, और पुलिस अधीक्षक महोदय और हम लोगों ने विस्तृत रूप से हमने किया है सर। दूसरा मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा सर, पार्वती डैम का भी 223.41 का गैस लेवल है सर, जो कि 223.25 तक भर गया सर, तो इससे हमारा बसेड़ी और सैफो का क्षेत्र प्रभावित हुआ है सर, और वर्तमान में करीब इसमें 4,269 MCFT के अगेंस्ट 4125 MCFT पानी इसमें आया है सर। इससे कोई फसलों को कोई नुकसान अधिक नहीं हुआ है, पर सड़कों को और रपट पुलिया का अधिकतम नुकसान पार्वती की नदी के ओवरफ्लो से हुआ है, बाकी स्थितियां पूर्ण रूप से नियंत्रण में है सर। बाकी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि फॉगिंग, ब्लीचिंग और दूसरे जो फ्लड पोस्ट फ्लड जो मैनेजमेंट है उनको हम करें सर। आपने अच्छा टाइमली इतला कर दी गांव वालों को, इसलिए आपने टाइमली इतला कर दी गांव वालों को, इसलिए अच्छा हुआ तो लोग बच गए, जनहानि नहीं हुई, बहुत बड़ी बात है। बाकी जो नुकसान हुआ है सड़कों का और हैंडपंप का आपने बताया, तो हमारे सब अधिकारी लोग बैठे हुए, PhD बैठे हुए हैं, PhD बैठे हुए हैं, सब आपकी बात सुन रहे हैं और सभी काम टाइम पे करने का प्रयास करेंगे। और भी वो पानी अभी आ रहा आपके उधर धौलपुर की तरफ, ध्यान रखिएगा आगे कुछ गड़बड़ नहीं हो। निरंतर पानी पड़ रहा है सर, आज भी 140 के बाद 142.50 की उम्मीद है सर, तो हम लोग निगाह रखे हुए हैं सर, जो हमारे गेज स्टेशन हैं सर मडरायल और दूसरा कोटा बैराज, सब पे निगाह रखेंगे वो पानी कितनी अवधि में हमारे पास आ जाएगा सर। ठीक है, धारीवाली कुछ कहना चाहेंगे? सर मेरा निवेदन था सर, सड़कें, तालाब और सरकारी बिल्डिंगें 12 में बहुत डैमेज हुई हैं सर। धारीवाली कुछ कहना चाहेंगे? सर धारीवाल साहब, सर वो प्रशासन शहरों के संग में हम भरतपुर संभाग में आए हैं सर, तो वो जो वर्कशॉप चल रही थी वो 2 बजे ही थी सर, तो खत्म हो रही थी, तो साहब ने कहा मैं वहां निकल जाता हूँ। ओके, नहीं वर्कशॉप में बैठ के सर। अरे कोई अच्छा, परसादी मीणा जी नमस्कार सर। नमस्कार। वैसे कलेक्टर बूंदी ने जो बताया स्थिति, वैसे बूंदी में दूसरे जिलों से ठीक है बरसात के लेवल से, पर वहाँ कैजुअलिटी जो ज्यादा हुई है सबसे, जैसा कि आपने निर्देश दिया उनको 4-4 लाख रुपए SDRF से 1 लाख मुख्यमंत्री सहायता कोष में, मैं स्वयं वहां गया था, जो परिवार के 7 लोग मरे हैं वो वास्तव में अत्यंत गरीब है, न उनके पास मकान है, न कपड़ा है, न बर्तन है, कोई रहने को जगह है। अभी तो उनको प्रशासन ने नगर पालिका के कोई गेस्ट हाउस में शिफ्ट कराया है। हमने कलेक्टर को कहा कि आप इनको कहीं भी नगर पालिका में 4-5 जो परिवार है वहां से सारे हटेंगे वो, क्यों, जमीन ही ऐसी है बिल्कुल, सारे मकान ही तहस नहस हो गए, बाकी कोई हटा के उनको अलग से मकान दे PM हाउस में या कैसे भी अर्जेंट, जब उनके पास कुछ भी तो नहीं है, एक बर्तन का टुकड़ा भी नहीं बचा, सारा एक परिवार में तो एक बच्चा बचा है जो 11 साल का है, 5 उसके फादर, उसके जो भी मदर, उसके सारे हो गए 5, एक परिवार में एक उसकी वाइफ और एक बच्चा गया, इसलिए बहुत ही दर्दनाक हादसा है वो। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा उस बच्चा जो 11 साल का है उसको तो कहीं भी आप हॉस्टल में भर्ती करा के, दूसरी क्लास में पढ़ता है उसकी कहीं भी व्यवस्था कराए जिसकी पढ़ाई में कहीं बाधा नहीं हो, और उनको मकान तो जल्दी से जल्दी कहीं भी पट्टा देकर उनको मुख्यमंत्री जी बने बनाए मकान दे, PM हाउस में कब बनेगा कब नहीं बनेगा, वो परिवार तो केवट परिवार है जो नाव चलाते हैं नदी में, वो परिवार है 5-7-10 परिवार है, उनको सबको ही वहां से हटाना पड़ेगा, क्योंकि स्थिति बहुत खराब है वहां की, वो रह नहीं सकते उस जगह, बिल्कुल ऊंचे पे वो नदी बहुत नीचे है, तो वो वहां से 4-5 परिवारों को अपन को हटा के
दूसरी जगह फंसाना पड़ेगा। वैसे प्रशासन ने कलेक्टर और एसपी वहां बहुत ही रात सुबह जल्दी पहुंच गए, उन्होंने बचाव राहत कार्य अच्छा किया, सब लोग प्रशंसा कर रहे थे। वहां सीएल प्रेमी वगैरह वो जो अपने